हिंजवाड़ी से 60 किलोमीटर दूर मुलसी डैम जा रहे हैं हम, और शाम के 3:30-4 बज रहे हैं। हमारा टारगेट है 5 बजे, 5:30 बजे पहुँचने का, ताकि सनसेट देख सकें। और ये लड़के साथ में जा रहे हैं, कार्तिक, प्रज्वल, विकास। ड्रिंक्स ब्रेक, अभी कोई अच्छी लोकेशन आएगी तो व्यूज़ दिखाते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं मुलसी का सेल्फी पॉइंट है। ये सूखी सूखी पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये मानसून में जून से लेकर सितंबर तक ये बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। मेरे रास्ता जो है इसमें ड्राइव करके जाने का अलग ही मज़ा है, बट अभी अभी उतना सुंदर नहीं लग रहा है, बस पहाड़ है और ये बहुत मानसून में अच्छा रास्ता हो जाता है। ये हमको एक गली दिखी है डैम के पहले से, हम इस गली में जाने का देख के आ रहे हैं कि आगे जाके क्या दिखता है। मुझे लग तो रहा है एक्सपेक्टेशन अच्छी है। गाड़ी मजा आए। हाँ कोई है आवाज़ दी। और यहाँ तो बढ़िया लोकेशन लग रहा है, सब रिजॉर्ट के लिए जमीन कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो गाइस हम मुलसी डैम तो नहीं पहुंच पाए हैं, पर हमारे भाई ने हमको यहीं रोक दिया। मुलसी डैम के पहले ही एक स्टॉप है जहां से डैम का पानी दिखता है, बोला यहीं से व्यू अच्छा आएगा और वापस लौट जाते हैं। ये देखिए, और यहां से कहीं बीच जगह से घुसवा के रोड के साइड गाड़ी लगवा के जमीन दूसरे की है, जो बोर्ड लगाया ध्यान नहीं है। हाँ, आप कारण बताइए क्यों लेके जा रहे हैं इधर, मुलसी डैम तक क्यों लेके नहीं जा रहे? मुलसी डैम तक जाने को हमको एक तो वैसे टाइम हो जाएगा, और दूसरी बात यहाँ से ही इतना अच्छा व्यू मिल रहा है तो यहाँ क्यों ना रुकें। ओके, मिशन कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है, पर ठीक है, यहाँ से भी सनसेट का मजा लेके मैटर्स तो जरूर डालेगा। बस क्या करो, ये ऐसा माहौल बना देते हैं लोग, बीच रास्ते पे खड़े रहना पड़ता है। अगर लोगों की पसंदीदा जगह पर नहीं जाओ तो वो दूसरों की जगह भी पूरी जाने नहीं देते हैं। और क्या, हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो अपने दिमाग में इमेजिनेशन में पूरा मैप बना लेते हैं और फिर हमको उसी के हिसाब से रोटेट करना पड़ता है। दिस इज लाइफ, व्हाट वी कैन डू, सच इज लाइफ। ये देखिए, आपको इतने इससे सुंदर लोकेशन वहाँ नहीं मिलेगी, ये नेचर है। एकदम सुंदर जगह है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है यहाँ पे। लो प्रोफाइल प्लेसेस की यही खास बात है कि ज़्यादा भीड़ नहीं होती है और अच्छा भी रहता है, शांति रहती है। बस यहाँ पे एक लोगों ने बियर की बॉटल फोड़ फोड़ के डाली हुई है, वैसा ना करें आप लोग। देखो, रील का कंटेंट बनाना चालू कर दिए। ये देखो, बैठ बैठ के वीडियो फोटो ले रहे हैं। ये हो गया, बन गई। कितना बढ़िया पिकनिक स्पॉट है, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है। अपन मुश्किल से 25 किलोमीटर चले होंगे इंजवाड़ी से ना? 25 नहीं, अपन चले होंगे 30 के आसपास, क्योंकि हाँ। तो ये दोस्त हमारा नहाने के लिए एंजॉय करने लगा है, उसको मज़ा आ रहा है यहाँ पे अच्छी लोकेशन पर नहाने में। ये देखो बहुत भी देर, निकल के बाहर आ जाए एक बारी। आप आके यहाँ पे नहा भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। एक पूर्ण एग्जांपल है, पेट बात है ये। तो ब्लॉग के लिए पे किया गया था मॉडल। कार्तिक तू जाने जाएगा क्या? अबे जा रहे हो, अपने दोस्त को तो बुला ले। तो दोस्तों, जब हम लोग आए थे तब बहुत कम लोग थे, बट अभी आप देख सकते हैं कितने लोग आ चुके हैं यहाँ पर। सनसेट हो चुका है और कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे,
आप लोग आके शाम को सनसेट के टाइम पे आके बैठ सकते हैं। ये देखो बहुत सारे फोटोशूट्स भी हो रहे हैं और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, एकदम शांति वाला एरिया है। आप यहाँ आके बैठो, चिल करो और सनसेट के टाइम पे आके चले भी जाओ। सेम वे सनराइज़ पे भी आप आ सकते हैं। नहीं रहे थे पहले लोग, अब अंधेरा हो रहा है तब निकल ही नहीं रहे यहाँ से। पता नहीं क्या, अब यहाँ क्या करना है इनको। सबको रील बनानी है, देखो रील बनाना है इनको, रील बना बना के डालना है। भले देखे कोई ना, लेकिन बनाएंगे ऐसे जैसे यही इन्फ्लुएंसर है, यही से इंस्टाग्राम चल रहा है। देखो रील के कंटेंट ही खत्म नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं होगा, कल तक चलेगा। जुड़े रहे हमारे साथ। तो गाइस हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं और सनसेट पूरा हुआ भी नहीं है तो भी हमको जाना पड़ रहा है ताकि हमें रास्ते में अंधेरा ज़्यादा ना मिले और हमें यहाँ से गाड़ी भी निकालनी है। बाय। देखो कितना अच्छा सनसेट हो रहा है। ऑफ रोडिंग भी हो रही है यहाँ पे। हम लोग ऐसी रास्ते में गाड़ी अंदर रोड के अंदर ले आए और हमको यहाँ से रास्ते समझ में आया, वापस लेके जा रहे हैं यहाँ से। ये ऐसी चढ़ाई आपको चढ़ानी पड़ेगी यहाँ पे, ये बीच में ओपनिंग मिलेगी रोड में। ये देखो बीच रास्ते में ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग से घुस के आपको ये लोकेशन मिलेगी।